हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉक काजन। आज है गणपति, मतलब गणपति बोल रही हूँ, गौरी विसर्जन डे। और अभी हो रहे हैं शायद शाम के 5:30। तो आज जो है वो गौरी विसर्जन होता है, तो इसी वजह से देखो ये लड़कियाँ, तो गौरी विसर्जन होता है तो इसी वजह से जब भी मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट करती हूँ ना, ये बच्चे हंसने लगते हैं। तो इसी वजह से मैं सोचा कि थोड़ा सा ऊपर आके मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट करती हूँ। बट इनका ना ये देखो पीछे से आते हैं। और आज ना हमारे घर पे गौरी विसर्जन होता है, मतलब गौरी को उठाया जाता है आज के दिन। और 2.5 दिन का उनका सफ़र होता है, मतलब 2.5 दिन के लिए वो हमारे घर पे आती है। 2.5 दिन होने के बाद उनको उठाया जाता है, तो आज वही है। और अभी तक सारा प्रोग्राम हो चुका है। एक्चुअली अभी तक मेरी तबीयत ना, मतलब कल के 2 दिन ना थोड़ा सा वो हुआ, भागदौड़ बहुत हुई, तो इसी वजह से तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही थी। तो मैंने टैबलेट ली और मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट की मैंने, तो इसी वजह से मैं आपको ऐसे दिख रही हूँ बिल्कुल थकी थकी से। और आप देखो, मतलब फ्रेश भी नहीं हुई हूँ मैं। मम्मी और सब जेठानियाँ वगैरह बोल रही थी मुझे थोड़े से रेडी हो जा, बट मेरा मन ही नहीं कर रहा था। और मैंने यही जो कुर्ती है वो पहन ली थी, क्योंकि ना मैंने कपड़े वगैरह नहीं लाए हैं ज़्यादा, तो इस वजह से मैंने सोचा ये मेरे लिए कपड़े लेके आएंगे। मतलब घर से 1-2 कुर्तियाँ मैं मंगा लूँगी, बट इनका भी ध्यान नहीं रहा, जल्दबाजी में लेके आए थे, मतलब आ गए थे। अभी देखिए आ गए हैं लेने के लिए, तो हम जाने वाले अभी घर, मतलब वहाँ पर सिटी में। तो अभी यहाँ का प्रोग्राम तो ख़त्म हो चुका है, मतलब आज होते हैं गौरी विसर्जन, गौरी को उठाना होता है और सब लेडीज़ आती है, हल्दी कुमकुम का प्रोग्राम होता है, तो ये सारी चीज़ें होती है। तो मैं शूट नहीं कर पाई ज़्यादा क्या, कुछ भी शूट नहीं कर पाई आपके लिए। बट मतलब मेरा मन ही नहीं कर रहा था अब तक, और थोड़ा सा मतलब लेडीज़ आई तो उनको भी दिखना पड़ता है, इसी वजह से। तो मैंने सोचा चलो ब्लॉगिंग स्टार्ट कर देते हैं, आपको बता भी देती हूँ कि क्या क्या होता है। और हाँ, एडिट भी नहीं कर पा रही हूँ कोई भी ब्लॉग तो बना के रखे हैं, बट उनको एडिट नहीं कर पा रही हूँ। क्या करूँ, मतलब अभी टाइम ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है कि जब भी, मतलब कल परसों तो बिजी थे हम लोग, कल तो पूरा दिन बिजी गया, सुबह से लेके सुबह 4 बजे से लेके तो रात के 12 बजे तक बिजी थे। और उसके बाद भी कल रात को सोए, उसके बाद सुबह उठी, तो सुबह उठने से ही फिर चालू हो जाता है सबका आना वगैरह, और दर्शन के लिए आते रहते हैं। और मैं एक ही इयररिंग्स पहन के हुई यहाँ पे, क्योंकि कुछ भी नहीं लाया था मैंने, थोड़ा सा मेकअप की चीज़ें लेके आई थी और बस। तो ईशु के इयररिंग्स पहने हुए हूँ, और वो ये देखो एक ही ड्रेस पहने हुए हूँ, तो इसी वजह से। हाँ, अभी ये लेने के लिए आने वाला है, तो शायद आ गए हैं नीचे, तो मैं ऊपर हुई इसी वजह से। और नीचे ना बहुत ज़्यादा, मतलब लेडीज़ वगैरह रहती है, तो इसी वजह से कुछ भी नहीं, बात नहीं कर पाती हूँ आप लोगों से, तो सॉरी। और हाँ, थोड़ी सी थकी हुई हूँ, तो मैं स्माइल भी नहीं कर पा रही हूँ अच्छे से। आप सोच रहे होंगे कि कितना ज़्यादा ये कर रही, तो थोड़ी सी मतलब बहुत ज़्यादा पेन कर रहा था, तो इसी वजह से मैंने टैबलेट ले ली थी, क्योंकि मुझे ज़्यादा आदत नहीं है ना इसी वजह से। मतलब क्या होता है कि यहाँ में मतलब गांव में आते हैं ना, तो ये ही गौरी वगैरह के टाइम बहुत ज़्यादा ये हो जाता है, मतलब एग्जर्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है वहाँ से आना यहाँ पर। और है ना, गणपति का भी पहले गणपति की वजह से 2-4 दिन पहले तो मेरी नींद नहीं पूरी हुई थी, आपको पता ही है, मैंने बताया था आपको, क्योंकि मेरे घर में भी बहुत ज़्यादा एग्जर्शन हो रहा था मेरा, पहले हरतालिका तीज, उसके बाद गणपति, फिर उसके बाद अभी गौरी घर पे, और अभी मेरे घर पे है, घर पे वो सिटी के घर में गणेश जी का, मेरे सिटी के घर में गणेश जी का खाना। तो इसी वजह से हाँ, मैं आज जल्दी जा रही हूँ, क्योंकि विसर्जन के दिन जाती नहीं हूँ मैं, गौरी के विसर्जन के दिन कभी कभी जाती हूँ, नहीं तो दूसरे दिन मैंने सोचा था कि कल जाऊँगी, बट ये बोल रहा है कि कल छुट्टी है, तो इसी वजह से हम लोग कल ही खाना रखते हैं। तो मुझे तैयारी भी करनी है खाने की, वहाँ के खाने की, तो इसी वजह से मुझे जल्दी जाना है। और आज हम लोग जाने वाले हैं घर, तो अभी ना, और गांव में ना थोड़ा सा माहौल अलग होता है, सिटी के जैसा नहीं होता है, सब मिलजुल के काम करते हैं, तो फिर भी इतना ये नहीं लगता है, मतलब जैसे सिटी में ना हमें ही करना पड़ता है, बट गांव में ऐसा नहीं होता है, सब हेल्प करते हैं इसी वजह से। और अभी मैं नीचे जाती हूँ और आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि कैसे लेडीज़ आ रही है और यहाँ पर क्या हो रहा है। बट थोड़ी देर में मैं निकलने वाली हूँ सिटी के लिए, तो इसी वजह से। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपसे बाद में।
हो। सो गाइज हम लोग घर पे आ गए हैं, मतलब सिटी वाले घर में। और हाँ, आरती वगैरह हो गई है भगवान की। गणपति की आरती हम लोग 2 टाइम करते हैं, तो शाम की जो आरती थी तो हमारी बहुत ज़्यादा, मतलब हमारी मेरी बोल रही हूँ, हमारी बहुत ज़्यादा लेट हुई, क्योंकि हम लोग वहाँ से ही बहुत ज़्यादा लेट निकले। मतलब 7, 7:30 बजे तो हम वहाँ से ही निकले, और यहाँ पर पहुँचने में आधा घंटा लगा। आधा घंटा मतलब, और इनको ड्यूटी भी जाना था, तो ये जल्दी जल्दी इन्होंने यूनिफॉर्म पहना, ड्यूटी गए, और हमने इधर आरती कर ली माहिने और मैंने। और आज फर्स्ट टाइम ना माहिने कुछ अलग सा किया है, क्योंकि मैं वीडियो एडिटिंग कर रही थी, क्योंकि 2 दिन से मेरा ब्लॉग नहीं गया है। क्योंकि आप लोगों को बताया ही है मैंने कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी और मुझे टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं वीडियो एडिट करूँ और वीडियो अपलोड करूँ। इसी वजह से मैं वीडियो अपलोड ही नहीं कर पाई, 2 दिन से वीडियो अपलोड नहीं हुआ था, तो इसी वजह से मैंने सोचा आज वीडियो अपलोड कर देती हूँ। और मैंने कल आपको कम्युनिटी में बताया भी था कि मैं वीडियो कल अपलोड कर दूँगी, तो मैंने सोचा चलो आज वीडियो अपलोड कर देते, तो वीडियो एडिटिंग कर लिए। मैं थोड़ी सी एडिटिंग में बिजी थी, तो माही ने क्या किया, माही ने भगवान के भोग के लिए आटा भी गूंथ लिया, और मुझे इधर बताया भी नहीं, आटा भी गूंथ लिया, और छोटी सी एक रोटी भी बनाई देसी, और भगवान को घी और घी शक्कर और रोटी का भोग भी लगा दिया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा इस बार। मतलब वैसे वो कुछ करती नहीं है, मतलब करती है एक्चुअली, वो काम वगैरह करने में हमारे बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, बट वो अपने लिए मैगी वगैरह बना लेती है, मतलब नूडल्स वगैरह बना लेती है, और जो मुरमुरी इतनी होती मूरी बोलते हैं, तो वो भून भी लेती है, पीली वाली मूरी जो बोलते हैं मुरमुरी, तो वो भी भून लेती है। और मतलब खुद के खाने के लिए तो उतना बना लेती है, बट ऐसा कुछ फर्स्ट टाइम उसने किया है कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मतलब लगता है ना कि ऐसे बच्चे थोड़ा सा बड़े हो रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहे हैं, थोड़ा सा कुछ कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, समझ रहे हैं हमारी थोड़ी सी तकलीफ समझ रहे हैं, तो अच्छा लगता है। तो इसी वजह से मैंने, मतलब मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं यहाँ पर ऊपर आई हूँ क्योंकि मुझे वीडियो अपलोड करना है, तो इसी वजह से वीडियो अपलोड भी हो रहा है यहाँ पे। और आप देखिए ये अद्विक के टेडी बियर, यहाँ पर टेडी बियर की दुकान ही लगा के रखी है अद्विक ने, क्योंकि मैं यहाँ पर वीडियो अपलोड करने के लिए आती हूँ ना, तो थोड़ा सा उसको खिलौने वगैरह चाहिए खेलने के लिए, तो मैंने नीचे से पूरे टेडी बियर ला के यहाँ पर रख दिए। तो यहाँ पर सारे टेडी बियर है अद्विक के, देखो छोटे से लेके बड़े तक अद्विक के टेडी बियर ही है यहाँ पे, और अद्विक खेल लेता है यहाँ पे। थोड़ी सी गाड़ी वाड़ी भी यहाँ पर रख दी है मैंने ला के उसकी, तो यहाँ पर खेल लेता है। और हाँ, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ गाइज, मैं मतलब आपको बता भी नहीं सकती कि इतनी ज़्यादा बॉडी पेन हो रही है, और क्या बताऊँ। और हाँ, मैंने बोला था आपको कि जल्दी कल हम लोग गणपति का खाना बना, मतलब करने वाले हैं, तो वैसा नहीं होने वाला है। मतलब भैया ने बोला कि थोड़ा सा टाइम, मतलब ये वाला जो प्रोग्राम अभी हुआ है, और थोड़ा सा टाइम दो, गैप दो, और कुछ दिनों के बाद करो, तो इसी वजह से। और बोलते हैं ना कि एकादशी आने वाली है, मतलब एकादशी शायद कल की, परसों की है, तो बोलते हैं कि एकादशी के बाद जो होता है गणपति का खाना स्टार्ट होता है, तो इसी वजह से मराठी में एकादशी ज़्यादा मानी जाती है, तो इसी वजह से भैया बोल रहे थे, मुझे एक्चुअली पता नहीं था और इनको भी एक्चुअली पता नहीं था, तो इसी वजह से हम लोगों ने कल सोचा था खाना का, मतलब गणपति का खाने का, तो वैसा नहीं होने वाला है, एकादशी के बाद करेंगे। तो इसी वजह से मम्मी ने भी बताया और भैया ने भी बताया, तो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि जब मम्मी, मतलब घर वाले बोलेंगे, जो डेट बोलेंगे उस टाइम में हम करेंगे घर गणपति का खाना, तो उसी दिन हम लोग खाना करेंगे। तो आपको बता ही दूंगी मैं, ऐसा कुछ नहीं है, जब भी करेंगे तो मैं आपको, मेरे ब्लॉग में आप देख ही लोगे। तो चलिए फिर, अभी मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा छोटा सा ही ब्लॉग बनाया है, कुछ दिखाने के लिए था ही नहीं और बातें बातें ही हुई है, तो चलिए मैं इस ब्लॉग को यहाँ पर एंड करती हूँ, और मिलती हूँ मैं अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। तो जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो, और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पर मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज़, ब्यूटी रिलेटेड टिप्स वीडियोज़, मेकअप वीडियोज़, हॉल वीडियोज़ इस तरह से डालती रहती हूँ। आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप चाहो तो मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जाते जाते डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लेना। तो चलिए फिर, मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय बाय।